बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनर की जानिब से मैं फैसल शबीर आपको ऑटोडेस्क सिविल 3D मशीन कहता हूँ। आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्रिएट स्टेशन इक्वेशन इन अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल व्यूज, यानी हमारे जो एक्स्ट्रा स्टेशन होते हैं जो बाज़त हमें अलाइनमेंट में पुट करने पड़ते हैं किसी वजह से, जब बाज़त अलाइनमेंट में कुछ यूटिलिटी गुजर रही होती है तो इसको हाई लाइट करने के लिए हमें वहाँ पर स्टेशन शो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम आज मेथड सीखेंगे। इसमें हमने आज चैप्टर कवर करना है लेसन, इसमें इंसर्ट एंड शो एडिशनल स्टेशन इन रोड अलाइनमेंट। मैं यहाँ पर थोड़ी आसान लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इसमें होता है स्टेशन इक्वेशन। इसके बाद शो एडिशनल स्टेशन इन प्रोफाइल व्यू, नहीं ये जो हमने किया है इसके बाद इसको प्रोफाइल व्यू में कितना शो करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक अलाइनमेंट बनी हुई है, सपोज करें यहाँ पर कुछ हमारा स्पेसिफिक स्टेशन है जो पॉइंट के बाद वैल्यू भी शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पर चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली नहीं होता, तो हम ये किस तरह ऐड करते हैं इसमें। इसके बाद इसको प्रोफाइल व्यू में किस तरह शो करते हैं, इसका लेबर वगैरह, इसका जो NGL होता है PGL, तो ये आज सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जाने। स्क्रीन पर आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही होगी, इसके साथ प्रोफाइल बनी होगी जिसमें हमारे कुछ PGL, NGL और स्टेशन है। तो इसमें हमने आज इसमें एडिशनल कुछ करने हैं स्टेशन, उसको किस तरह क्रिएट किया जाता हम देखते हैं ज़रा। एडिशनल स्टेशन इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे हम अलाइनमेंट पे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे। ओके, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी पर क्लिक किया, देन आपको यहाँ पर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में नज़र आ रहा होगा इंफॉर्मेशन के साथ ही स्टेशन कंट्रोल, यहाँ पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेशन इक्वेशन है यहाँ पर लिखा हुआ, हम इस पर जाके जस्ट क्लिक करेंगे प्लस के साइन को, क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर एक ड्रैग साथ सोला आ गया। हम जिस जगह पर चाहते हैं, हम सपोज कर इस जगह पर यहाँ पर चाहते हैं स्टेशन, तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। अब दोबारा मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, यहाँ प्लस किया, दोबारा क्लिक किया, इसके बाद हम चाहते हैं इस जगह पर भी एक आ जाए, दोबारा इसको एंटर किया। अब यहाँ पर हम मैनुअली वैल्यू देखते हैं इसका क्या मेथड है, तो यहाँ पर देखें ज़रा 0 अलॉन्ग विद ओके 385.85, यहाँ पर देखिए वो भी वैल्यू हमारे पास आ गई। हम इसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, इतने स्टेशन में ऐड करना चाहिए हम जस्ट जाकर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया ऐड हो गया, फिर रीज को ऐड करते हैं। इसके बाद यहाँ भी हमें चाहिए कि कोई भी स्टेशन, मैं रेंडमली लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले ऐड किस तरह करते हैं। आप जब किसी स्पेसिफिक स्टेशन आपके पास हो तो आप उसको इसमें मैनुअली पुट कर सकते हैं। ओके किया, अब इसको अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नज़र नहीं आ रहा, तो इसको शो करेंगे क्या मेथड है, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट अलाइनमेंट लेवल पे गए, तो यहाँ पे जाएं ज़रा, यहाँ पर देखें स्टेशन इक्वेशन, ओके यहाँ पे क्लिक किया, इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखें ज़रा, इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे जो स्टेशन थे वो यहाँ पर आ गए, हाईलाइट हो गए। यहाँ पर देखें सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर जो स्टेशन पीछे है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया। इसका जो कर्सर ऐड करने के लिए सबसे पहले लेआउट में जाएँ, यहाँ पर देखिए 4 हैं अहेड एंड बैक। ओके, जिन जिनके आप कलर चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। हम सबसे पहले स्टेशन हेड करेंगे, यहाँ पर जाकर क्लिक किया, इस पर जाके आप इसको ग्रीन कर दें। ओके ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टेशन बैक, इस पर भी जाके आप यहाँ से ये ऐड कर सकते हैं स्टेशन। ओके, यहाँ से अगर कुछ सेटिंग करनी हो, कुछ चेंजिंग करनी हो, स्टेशन ऐड करने हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अब हमारे पास जो इसके लाइंस हैं, लाइन और मार्कर, इसे कलर भी हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर लाइंस हैं इसका हम यहाँ से करेंगे, लेयर में, लेयर में जाके यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर कंटिन्यू लेयर कलर, यहाँ से कलर को सेट कर लेते हैं ग्रीन कलर के। ओके ओके, अप्लाई किया, देन ओके, तो यहाँ पर देखिए सारे कलर चेंज हो गए।
ये तो अलाइनमेंट पर तो इसकी सेटिंग हो गई है। अब हम आएंगे प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल पर देखें हमें जस्ट लाइनें नज़र आ रही हैं, ये देखें लाइन ज़रा, इसके साथ स्टेशन ऐड नहीं है। यहाँ पर देखें जिधर हमने अप्लाई किया यहाँ पर स्टेशन लगे हुए हैं इसके, तो ये प्रोफाइल पर स्टेशन अप्लाई नहीं है। तो इसका क्या मेथड शो करने का, इसके लिए हम ज़रा जाएंगे इसकी सेटिंग में, 1 मिनट, ओके ठीक है, इधर तो आ गए। अब इसमें ऐड करेंगे तो इसके लिए जाएंगे प्रोफाइल पे, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी पे गए, ओके यहाँ पे जाके अब हमने इसी के अंदर सेटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारे जो लेबल हैं बैंड्स हैं हमारे पास PGL है, NGL है, उसके बाद स्टेशन है, तो हमने PGL के अंदर करना है, NGL के अंदर स्टेशन के अंदर, यहाँ पर इसी के अंदर सेटिंग करनी है। तो इसके लिए अब हम PGL यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, इस जगह पे क्लिक किया, इस जगह पे जाके इसकी एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग के लिए सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आने के बाद सबसे पहले यहाँ से कुछ डेटा हमें ऑन करना है, यहाँ पर देखिए लेबल एट स्टेशन इक्वेशन, यहाँ पर ऑन किया, ओके। इसके बाद टिक एट स्टेशन इक्वेशन, जो हमारे पास टिक्स होती हैं ना, वो भी हम ऑन कर लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमने टॉप की करनी है इसकी PGL की, यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे PGL के थ्रू, यहाँ पर देखें ओके, इसका कलर यहाँ पर ठीक है, ओके अप्लाई किया देना, ओके। इसके बाद यहाँ पर दोबारा जाएं डिस्प्ले में, बैंड डिटेल में आ जाएं, इस साइड पर यहाँ पर देखें 5.5 है। अब हम मेजर स्टेशन स्टेशन फिशन यहाँ पर आ जाएं, इस पर जाकर क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू नज़र आए, हम इसको डिलीट कर देंगे। हम इसमें स्टेशन वैल्यू जो हम लिखेंगे यहाँ पर PGL, हम PGL में ऐड कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे PGL, ओके। इसके बाद इधर आ जाएं, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे हम PGL प्रोफाइल नंबर 2 पे होती है, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद इसका कलर हम यहाँ से करेंगे चेंज ब्लू में, इसके बाद बोल्ड करेंगे, तो ये हमारा PGL है। PGL याद रखें, NGL प्रोफाइल 1 पे है, PGL प्रोफाइल 2 पे है, ओके करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ वैल्यू एडजस्ट हो गई है इसकी, अब इसको यहाँ से मिडिल करेंगे, इसको बॉटम सेंटर, ठीक है ओके, बॉटम यहाँ पर देखें ज़रा, बिल्कुल एडजस्ट हो गया। इसका साइज़ हमने छोटा करना है, इसको 3.5 करेंगे, यहाँ पर देखें बिल्कुल इसका साइज एडजस्ट हो गया, मिडिल सेंटर, यहाँ से भी आप इसको ब्लू कर सकते हैं, ओके अप्लाई किया देना, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया, ओके अप्लाई देन ओके। तो यहाँ पर देखें जो हमारे स्टेशन थे PGL पर, वो तो हमारे सारे शो हो गए, यहाँ पर देखें ये जो एक्स्ट्रा स्टेशन थे इस जगह पर। अब जो हमारे NGL के हैं, इनके लिए भी हमने इस तरह सेटिंग करनी है, इसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, राइट पर गए प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी पे, अब यहाँ पर आ जाए NGL पे, यहाँ पे क्लिक किया, इस जगह पे जाकर क्लिक किया, तो सबसे पहले हम लेबल ऑन कर लेंगे, लेबल एट स्टेशन इक्वेशन ऑन किया, उसके बाद टिक एट स्टेशन इक्वेशन, यहाँ पे इसको ऑन कर दें, इसको ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये NGL रेड होता है। इसके बाद अप्लाई किया, देन इसके बाद बैंड डिटेल में जाएंगे, यहाँ से हम स्टेशन इक्वेशन ऑन करेंगे, हम पोज लेबल, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू हम इसको डिलीट कर देंगे, या इसको डिलीट करेंगे, इस पर हम अप्लाई करेंगे अपना NGL, ओके। NGL के बाद यहाँ पर जाके हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ से पहले हमने प्रोफाइल टूट किया था, प्रोफाइल बंद करेंगे, ओके। यहाँ पर अगर आपने कुछ एडिशन करनी हो इसकी, 3 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पर कर सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर देखें ऐड हो गया। इसका कलर हम यहाँ से रेड कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, ओके ओके। तो यहाँ पर देखें हमें नज़र आ रहा है, इसको मिडिल टॉप की जो हमें इसको मिडिल सेंटर करेंगे, बिल्कुल देंगे सेंटर में आ गए। अभी टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा है, हम इसको 3.5 करेंगे, इसका नेचुरल एक हाइट है हमने यहाँ पर रखी हुई है, इधर से भी आप इसको रेड कर दें,
ओके मिडिल सेंटर, देन इसको मिडिल सेंटर, ठीक है ओके, अप्लाई किया, ओके किया, इसको अप्लाई किया, ओके किया, ओके अप्लाई, देन ओके। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है सर, ये वैल्यू थे, मैं इसके दो डिजिट रखे थे, आप इसको तीन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास रह गई स्टेशन की, अब स्टेशन का कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे ताकि हमें हाई लाइट हो जाए कि ये हमारे जो स्पेसिफिक स्टेशन है, ये तो ठीक है, इसका हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। इसके लिए सिंपल मेथड है, यहाँ पे जाके प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में स्टेशन पे गए, यहाँ पे जाके इसकी एडिटिंग की, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें स्टेशन डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाके सेम मेथड है, लेबल एड स्टेशन इक्वेशन क्लिक किया, इसके बाद टिक एड स्टेशन इक्वेशन इसको क्लिक किया, ओके यहाँ से हम इसका कलर ये सेट कर देंगे। इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ओके करने से पहले आप इधर आ जाएं बेंड डिटेल में, स्टेशन इक्वेशन में आ जाएं, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, देन यहाँ पर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, हम इसको स्टेशन कर देंगे, इसको ओके किया, स्टेशन पे जाके यहाँ पर हम इसको जस्ट स्टेशन लिख देंगे, STATION, ठीक है ओके, प्रोफाइल बैंड मिडिल ओके, इस पे आ जाएं, तो सिलेक्ट किया स्टेशन पेशन, हम इसी को रखेंगे, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब इसके आप डिजिट ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसको थ्री डिजिट करूँगा ताकि हाईलाइट हो जाए। उसके बाद मैं इसका कलर कर दूँगा मजेंटा, जस्ट हम कर रहे हैं स्टेशन का ताकि हमें स्टेशन थोड़ा सा वाजी हो जाए। इसका यहाँ से स्टाइल हम कर देंगे 2.5, ओके यहाँ पर देखें जरा, ओके उसके बाद यहाँ से हम इसको भी सेंटर कर देंगे, मिडिल सेंटर यहाँ पर देखें, यहाँ से भी आप इसका स्टाइल कलर चेंज कर दें, ओके ओके अप्लाई किया, देन ओके किया, इसके बाद अप्लाई, ओके ओके अप्लाई, देन ओके। तो यहाँ पर देखें हमारा जो तीसरा बैंड था स्टेशन में वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखें जहाँ जहाँ पर हमने स्टेशन ड्रा किए थे उसके साथ आ गए, यहाँ पर देखें हमारा फर्स्ट स्टेशन था आई थिंक, इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे, अब जस्ट हम ऐड कर रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर नज़र आते रहेंगे, हम यहाँ से कुछ रिमूव भी करेंगे, फर्स्ट हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ज़रा इसके साथ मिस मैच हो रहा है, ये 0+1 to 5, 0+1 to 5, ओके 1.25, ओके इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसकी लेबल में सेटिंग करके इसको 25 पे कर देंगे, 100 पे इधर, इसको हम कर देंगे 25, अप्लाई किया, देन ओके किया, अब हमारे कुछ नज़र आएंगे बेहतर, इधर हमारे पास आ रही 25 है। अब हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे कर देना, इसके यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी पे गए, हमारा जो फर्स्ट था यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, ओके इसमें ऐड करेंगे कि नया, हम इस जगह पे ऐड करेंगे, ओके के बाद नए मज़ीद ऐड करेंगे, जितने आप ऐड करना चाहें, अब आपकी सेटिंग हो गई है, अब आप जितने ऐड करेंगे ऑटोमेटिक प्लान में भी नज़र आएंगे, अलाइनमेंट में और प्रोफाइल में भी आपको नज़र आते रहेंगे, यहाँ पर देखें कितने आप ऐड करना चाहें, क्योंकि हमने इसमें बेसिक फार्मूला ऐड कर दिया, अप्लाई किया, दिन ओके किया, तो आप देखें यहाँ पर भी आपको सारे नज़र आ रहे हैं, और इसमें भी देखें ज़रा ये 1 by 1 सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये मेथड होता है किसी भी प्रोफाइल में एडिशनल स्टेशन ऐड करने का, प्लान में हमारे पास जो अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल इसमें ऐड करने का, उसके बाद इसमें जो प्रोफाइल बनी है इसमें ऐड करने का, स्टेशन में NGL में PGL में, याद रखिए कोशिश करें स्टेशन में जो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें ताकि आपको उनमें डिफ्रेंशिएट पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए और आप उसको फ़ौरन एक्सेस कर सकें। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन पर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे आपको इसका रिप्लाई दें। अपने दो मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।